प्रयागराज पहुंचे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस के विरोध समेत कई मुद्दों पर बातचीत की, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि जो लोग रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शास्त्री जी मौजूद है हमारे साथ, भाई दो मिनट, शास्त्री जी मौजूद है हमारे साथ, प्रयागराज आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ? प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा मैया की डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर। आपने क्या संतों से मुलाकात करी है, क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र की? मुलाकात नहीं, हमने आशीर्वाद लिया है, हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी है, डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्लान है आपका? ऐसा कोई हमारा भाव नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, संतों से बड़ा कौन है। और वो रामचरितमानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि। बहुत शुक्रिया। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम जो हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि बाबा किसी बड़ी योजना में इस समय लगे हुए हैं। क्या है ये योजना? क्या इसी योजना की खातिर अब उन्होंने और साधु संतों से बातचीत करना भी शुरू कर दिया है? और तभी तो वो घूम घूम कर पहले एक राज्य में, अब दूसरे राज्य में, और इस समय वो उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में है। वो साधु समाज को, संत समाज को अपने मिशन का हिस्सा बनाने में जुटे हुए हैं। अरे रेलंगी तोड़ दे है क्या? भूत बाधा है, कुंभक स्वाहा। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो अंदाज है जो अक्सर उनके प्रेत दरबार में दिखी जाता है। पिछले कुछ अरसे से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारी दावों की नुमाइश बेखौफ और बेधड़क होकर देखी भी गई, सुनी भी गई और कई कई बार तो मान भी ली गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के तंत्र मंत्र के तिलिस्म ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इन सब के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपने खिलाफ छिड़ी मुहिम को एक झटके में ही पीछे छोड़ दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के एक बड़े प्लान का ऐलान कर दिया। हमने आज एक नया दौरा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जमाने की नजरों ने भी देखा कि किस तरह देश के कद्दावर लोगों के शीश महज 26 साल के बाबा बागेश्वर धाम के आगे पूरी श्रद्धा से झुक जाते हैं। बाबा का मुस्कुरा कर ये कहना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, असल में उनके दरबार में आस्था से सिर झुकाने वालों को बेहद पसंद भी आता है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। उनके इतने रूप देखने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असल में किसी पहेली से कम नहीं। उनको समझना और उनकी कही बातों का सही सही अर्थ निकाल पाना नामुमकिन बेशक ना हो, मगर मुश्किल जरूर है। ये बाबा कभी तंत्र मंत्र करते दिख जाते हैं तो कभी पर्ची में लिखकर चमत्कार करने वाले ऐसे बाबा जो किसी के भी मन की बात को जान लेने का दावा पूरे दमखम के साथ करते हैं। बाबा के इन तमाम रूपों के सामने आने के बाद एक सवाल जरूर भीड़ से ही सिर उठाता दिख जाता है कि क्या बाबा बागेश्वर धाम ने कुछ बड़ा करने का प्लान बना रखा है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा चोला ओढ़ लिया? आखिर एक कथा वाचन करने वाले बाबा का फ्यूचर प्लान क्या है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर के अपने आश्रम में कहा था कि धाम में 13 से 19 फरवरी तक
एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यानी अगले कुछ दिनों में छतरपुर ही सुर्खियों में छाने वाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम की प्लानिंग यहां से कुछ बड़ा ऐलान करने की हो सकती है, क्योंकि इन तारीखों में ही बाबा की बड़ी प्लानिंग का सारा सच छुपा हुआ। गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे। 13 से 19 फरवरी तक बाबा बागेश्वर धाम का डेरा छतरपुर में रहेगा। 13 से 19 फरवरी तक कई धार्मिक कार्यक्रमों को रखा गया है। 13 से 19 फरवरी तक देश के बड़े बड़े साधुओं के शामिल होने का दावा है। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योते भेज दिए गए हैं। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में खुद बाबा ने साधु संतों को निमंत्रण दिया। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में 18 को 121 कन्याओं का विवाह होगा। हॉल में खूब भीड़ आ गई है, भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो। जाहिर है ये कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कहीं दूर है, जिस पर फिलहाल किसी और की नजर नहीं पड़ रही। रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।